इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। सबसे पहले मैं आपके सामने सेंटेंसेस रखूंगा हिंदी में, फिर इंग्लिश में, हिंदी में इंग्लिश में, हिंदी में इंग्लिश में। आपको ध्यान से पहले सेंटेंसेस को देखते जाना है। जो सेंटेंसेस आपके समझ में आ रहे हैं ठीक है, नहीं समझ में आ रहे हैं फिलहाल आप वीडियो को केवल देखिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इंग्लिश बोलने की आपको प्रैक्टिस करनी है। इसी वीडियो में आप प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या तुम अविरत हो? आर यू अविरत? हाँ हूं। क्या तुम मुझे जानते हो? यस आई एम। डू यू नो मी? हाँ बहुत अच्छे से। यस वेरी वेल। लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। बट आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू। तुम शायद मुझे भूल गए हो लेकिन मैं नहीं भूला। यू माइट हैव फॉरगॉटन मी बट आई हैवंट। हो सकता है लेकिन सच में मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मे बी बट सीरियसली आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू। तुम्हें पाठक सर याद हैं बीटेक फर्स्ट ईयर में? डू यू रिमेंबर पाठक सर इन बीटेक फर्स्ट ईयर? हाँ हैं, वो कॉलेज में मेरे फेवरेट थे। यस आई डू, ही वॉज माई फेवरेट इन कॉलेज। और मैं तुम्हारा क्लासमेट था। एंड आई वॉज योर क्लासमेट। सच में? माफ करना दोस्त, बहुत समय हो गया पास आउट हुए। रियली आई एम सॉरी मेट, इट्स बीन सो लॉन्ग सिंस वी पास्ड आउट। मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। माफ करना दोस्त, तुम्हारा शुभ नाम? आई एम सॉरी मेट, व्हाट्स योर गुड नेम? मेरा नाम राजीव यादव है। माय नेम इज राजीव यादव। क्या तुम वही बंदे हो जिसने फाइनल ईयर में सिंगिंग कंपटीशन जीता था? आर यू द वेरी गाय हु हैड वॉन द सिंगिंग कंपटीशन इन द फाइनल ईयर? हाँ बिल्कुल सही। यस हियर यू गो। लेकिन तुम लग नहीं रहे हो। बट यू डोंट लुक लाइक। लेकिन वो मैं ही हूं। बट दैट्स मी। हो सकता है क्योंकि अब तुम्हारी मूछ है, दाढ़ी है। मे बी बिकॉज यू हैव गॉट मुस्टैच एंड बियर्ड नाउ। हाँ उन दिनों मैं क्लीन शेव्ड रहता था। यस आई यूज टू बी क्लीन शेव्ड दोस डेज। लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम हो। बट स्टिल आई कांट बिलीव इट्स यू। माफ करना मैं मजाक कर रहा हूं, मैं राजीव नहीं हूं, मैं क्लास में उसका बेस्ट फ्रेंड था। आई एम सॉरी, आई एम जस्ट किडिंग। आई एम नॉट राजीव, आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड इन द क्लास। यही तो मैंने सोचा, मैं तो उसे बहुत अच्छे से जानता था। दैट्स व्हाट आई थॉट, आई न्यू हिम वेरी वेल। मेरा नाम सलीम है। तुम दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स में थे और मैं मैकेनिकल में था। माय नेम इज सलीम। यू बोथ वर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई वाज इन मैकेनिकल। अच्छा, लेकिन तुमने मुझे इतने समय बाद पहचाना कैसे? ओके बट हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज मी आफ्टर सो लॉन्ग? तुम्हें कौन भूल सकता है अविरत, तुम क्लास में टॉपर थे। हु कैन फॉरगेट यू अविरत, यू वर द टॉपर इन द क्लास। हाँ वो तो मैं था। यस दैट आई वॉज। वैसे मैं भी मैकेनिकल का टॉपर था। बाय द वे इवन आई वॉज द टॉपर इन मैकेनिकल। अच्छा हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। क्या तुम सैम के नाम से फेमस थे? ओ यस आई हैड हर्ड अबाउट यू। वर यू फेमस बाय द नेम सैम? हाँ बिल्कुल। यस आई वॉज। एक्चुअली हम कभी मिले नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में सुना था। एक्चुअली वी नेवर मेट, आई हैड जस्ट हर्ड अबाउट यू। मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन कमाल है, तुमने मुझे पहचान लिया। बट सरप्राइजिंगली यू रिकॉग्नाइज्ड मी। एक्चुअली मैंने तुम्हारी फोटो राजीव के मोबाइल में देखी थी। एक्चुअली आई हैड सीन योर पिक्चर इन राजीव्स मोबाइल। अच्छा अच्छा, इसीलिए। ओ आई सी, दैट्स व्हाई। क्या तुम यहीं आसपास रहते हो? डू यू लिव नियर बाय हियर? हाँ। और तुम? यस आई डू। एंड यू? मैं यहाँ अपने अंकल के घर आया हूँ। ये बगल वाला घर उन्हीं का है। आई हैव कम हियर एट माई अंकल्स प्लेस, दिस नेक्स्ट हाउस इज हिज ओनली। सच में? रियली? हाँ क्यों, क्या हुआ? यस इट इज। व्हाई, व्हाट हैपेंड? एक्चुअली रोड के पार वो घर मेरा है। एक्चुअली दैट हाउस इज माइन अक्रॉस द रोड। वाह क्या संयोग है। वाओ व्हाट अ कोइंसिडेंस। अभी तक आपने हिंदी में इंग्लिश में, हिंदी में इंग्लिश में, हिंदी में इंग्लिश में सेंटेंसेस को सुना। अब यही सेंटेंसेस एक बार फिर से मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपको मेरी हिंदी की आवाज आएगी, इंग्लिश की आवाज नहीं आएगी। अब आपको बोलना है। सेंटेंस लिखा हुआ तो आएगा लेकिन मेरी आवाज नहीं आएगी। अब आपको बोलना है और बोल करके प्रैक्टिस करनी है। और हो सके तो थोड़ा तेज बोल के प्रैक्टिस करिए। और फिर मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। क्या तुम अविरत हो? हां हूं। क्या तुम मुझे जानते हो?
हाँ बहुत अच्छे से। लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम शायद मुझे भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूला। हो सकता है, लेकिन सच में मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम्हें पाठक सर याद है, बीटेक फर्स्ट ईयर में? हाँ हैं, वो कॉलेज में मेरे फेवरेट थे और मैं तुम्हारा क्लासमेट था। सच में? माफ करना दोस्त, बहुत समय हो गया पास आउट हुए। मैं समझ सकता हूं। माफ करना दोस्त, तुम्हारा शुभ नाम? मेरा नाम राजीव यादव है। क्या तुम वही बंदे हो जिसने फाइनल ईयर में सिंगिंग कंपटीशन जीता था? हां बिल्कुल सही। लेकिन तुम लग नहीं रहे हो। लेकिन वो मैं ही हूं। हो सकता है क्योंकि अब तुम्हारी मूंछ है, दाढ़ी है। हां उन दिनों मैं क्लीन शेव्ड रहता था, लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम हो। माफ करना मैं मजाक कर रहा हूं, मैं राजीव नहीं हूं, मैं क्लास में उसका बेस्ट फ्रेंड था। यही तो मैंने सोचा, मैं तो उसे बहुत अच्छे से जानता था। मेरा नाम सलीम है, तुम दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स में थे और मैं मैकेनिकल में था। अच्छा, लेकिन तुमने मुझे इतने समय बाद पहचाना कैसे? तुम्हें कौन भूल सकता है अविरत, तुम क्लास में टॉपर थे। हाँ वो तो मैं था, वैसे मैं भी मैकेनिकल का टॉपर था। अच्छा हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, क्या तुम सैम के नाम से फेमस थे? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली हम कभी मिले नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में सुना था। मैं समझ सकता हूं, लेकिन कमाल है तुमने मुझे पहचान लिया। एक्चुअली मैंने तुम्हारी फोटो राजीव के मोबाइल में देखी थी। अच्छा अच्छा इसीलिए। क्या तुम यहीं आसपास रहते हो? हां और तुम? मैं यहां अपने अंकल के घर आया हूं, ये बगल वाला घर उन्हीं का है। सच में? हां क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली रोड के पार वो घर मेरा है। वाह क्या संयोग है। मुझे उम्मीद है आपने बोल के प्रैक्टिस की होगी, और हो सके तो कम से कम 2-3 बार इस वीडियो को देख करके प्रैक्टिस करिए, और फिर प्रैक्टिस करने के बाद अब आप क्या करिए कि वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिए, मेरी आवाज हिंदी में, आपकी आवाज इंग्लिश में, इसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए और ईमेल करिए englishwale12@gmail.com पे। मैं देखना चाहता हूं कि आपकी इंग्लिश किस लेवल की है, किस लेवल की अच्छी प्रोनंसिएशन आप करते हैं, सेंटेंसेस वर्ड्स को कितना अच्छा आप अनाउंस करते हैं, मैं आपको फीडबैक भी दूंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स में ही बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।